चंडीगढ़ से खबर है, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे सीएम सैनी। हरियाणा के राज्यपाल से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुलाकात करने वाले हैं। कुछ ही देर में सीएम नायब सिंह सैनी ये मुलाकात करेंगे। कैबिनेट प्रस्ताव की राज्यपाल को एक प्रति सौंपी जाएगी। विधानसभा भंग करने की कैबिनेट में मंजूरी है और आपको बता दें कि कैबिनेट की जिस तरह से ये मंजूरी सामने आई है, इसको लेकर कैबिनेट प्रस्ताव की राज्यपाल को कॉपी सौंपने वाले हैं सीएम नायब सैनी। राज्यपाल से बस कुछ ही देर में सीएम नायब सैनी मुलाकात करेंगे। उसके बाद देखिए हरियाणा में राष्ट्रपति शासन होगा। आपको बता दें कि सीएम नायब सैनी आज राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं। कुछ ही देर में मुलाकात होगी। कैबिनेट की बैठक में जिस तरह से प्रस्ताव सामने आया, विधानसभा को भंग करने की मंजूरी मिली है और इसी प्रस्ताव की कॉपी अब सीएम नायब सैनी राज्यपाल को सौंपने वाले हैं। कैबिनेट प्रस्ताव की राज्यपाल को कॉपी सौंपेंगे, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, विधानसभा भंग करने की कैबिनेट में मंजूरी मिली है और बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात रहने वाली है। आपको बता दें कि हरियाणा में अब विधानसभा चुनावों का जिस तरह से आगाज है, चुनाव प्रचार चल रहा है, इसी बीच विधानसभा को भंग करने को लेकर कैबिनेट में मंजूरी मिली और अब ये प्रस्ताव की कॉपी लेकर जा रहे हैं सीएम नायब सैनी राज्यपाल से मिलने के लिए। कुछ ही देर में मुलाकात चंडीगढ़ में होगी और आपको ये बता दें कि बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात रहेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर का हम रुख करते हैं। जी अनिल, क्या कुछ जानकारी है राज्यपाल से सीएम की मुलाकात को लेकर? देखिए, बिल्कुल थोड़ी देर में मुख्यमंत्री नायब सैनी राजभवन पहुंचेंगे। राजभवन में जाने के बाद मुख्यमंत्री की राज्यपाल से एक अहम मुलाकात होनी है, क्योंकि कल जो कैबिनेट बैठक हुई थी, कल कैबिनेट बैठक में हरियाणा विधानसभा को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। अब जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसकी जो प्रति है मुख्यमंत्री की तरफ से, वो राज्यपाल को सौंपी जाएगी। क्योंकि हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा में संवैधानिक संकट था, संवैधानिक संकट के चलते हरियाणा विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की गई थी और अब जो सिफारिश की गई थी, उस सिफारिश की जो प्रति है वो अब राज्यपाल को सौंपी जाएगी। इसके अलावा क्योंकि जो अब राज्यपाल को जो प्रति सौंपी जाएगी, जब हरियाणा में जो सरकार विधानसभा भंग हो जाएगी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं राज्यपाल ही कहीं ना कहीं जो पूरी की पूरी एक व्यवस्था, उस व्यवस्था को देखने का काम करेंगे। अच्छा, देखिए इसके बाद स्थिति यही बनती है कि विधानसभा भंग करने की सिफारिश की और अब अगली सरकार बनने तक राज्यपाल उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाएंगे। 9:30 बजे का समय देखिए दिया गया था अनिल मुलाकात का, कब तक मुलाकात होगी? देखिए, क्योंकि कल जो बैठक हुई थी जिसमें हरियाणा विधानसभा भंग करने की सिफारिश की गई थी, उसके साथ ही कहीं ना कहीं एक तरह से मुख्यमंत्री तमाम मंत्रियों का इस्तीफा हो गया था, क्योंकि विधानसभा भंग हो गई है। अब ऐसे में जो विधानसभा की जो भंग करने की जो सिफारिश की जो प्रति थी, राज्यपाल को सौंपी जाएगी। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलेंगे और कहीं ना कहीं जो सिफारिश कैबिनेट की तरफ से की गई है, अब उस सिफारिश को मानते हुए, क्योंकि जब कैबिनेट सिफारिश कर चुकी है, राज्यपाल उस कैबिनेट की सिफारिश को मानेंगे, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो हरियाणा विधानसभा है भंग हो जाएगी। फिर राज्यपाल की तरफ से मुख्यमंत्री नायब सैनी को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। बिल्कुल, और देखिए बहुत जरूरी था, जिस तरह से एक संवैधानिक संकट टालना बहुत जरूरी था, 12 सितंबर तक सदन की बैठक बुलाना बहुत जरूरी था। एक बार दर्शकों को आप ये समझाइए कि नियम कायदे कानून किस तरह से काम करते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव अब नजदीक है और कई तरह की बातें हैं, आम दर्शकों को बताइए। देखिए, बिल्कुल, अगर देखा जाए जो संविधान है, संविधान के तहत हर देश की कोई भी विधानसभा हो चाहे संसद हो, 6 महीने के अंतराल में एक बार सेशन बुलाना अनिवार्य होता है। जो तमाम राज्यों की विधानसभाएं हैं, हर 6 महीने में सेशन होना चाहिए विधानसभा का। अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में जो विधानसभा सत्र था वो मार्च में हुआ था और 13 मार्च को वो सत्र खत्म हुआ था। उसके हिसाब से जो अगला सत्र था वो 12 सितंबर तक हरियाणा विधानसभा का सेशन होना चाहिए था, लेकिन हरियाणा सरकार सेशन नहीं बुला पाई थी क्योंकि चुनाव आ गए थे। चुनाव में व्यस्तताओं के चलते प्रदेश सरकार की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से विधानसभा सत्र की सिफारिश नहीं की गई। तो ऐसे में जब विधानसभा सत्र नहीं बुलाया गया, तो जो संविधान है, संविधान ये कहता है कि अगर 6 महीने में सत्र नहीं बुलाया जाता तो जो विधानसभा होती है उस विधानसभा को भंग माना जाता है। तो उसी के हिसाब से कल कैबिनेट बैठक हुई, कैबिनेट बैठक ने विधानसभा तो मौजूदा विधानसभा इसको भंग करने की सिफारिश की और उस सिफारिश के साथ ही अब जैसे ही थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री नायब सैनी राज्यपाल से मिलेंगे और जो प्रति थी, जो सिफारिश की गई थी, वो राज्यपाल को सौंपेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं राज्यपाल कैबिनेट की सिफारिश को मान लेंगे, उसके बाद जो विधानसभा भंग मानी जाएगी।
अच्छा, विधानसभा भंग मानी जाएगी, कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, तो इस लिहाज से क्या कुछ हम परिवर्तन इस लिहाज से देखा जाए? देखिए, जैसे ही विधानसभा भंग हो जाएगी, चाहे मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, ये सब सारे के सारे पूर्व हो जाएंगे, क्योंकि विधानसभा भंग हो जाएगी, विधानसभा के साथ ही जो तमाम मंत्री हैं उनका इस्तीफा हो जाएगा, तो इन मंत्रियों के सारे पोर्टफोलियो खत्म हो जाएंगे, तो जो एक मंत्री के नाते सुविधाएं मिलती है वो सारी तुरंत खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जैसे ही विधानसभा भंग मानी जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो तमाम तरह की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, हालांकि राज्यपाल की तरफ से मुख्यमंत्री को कार्यवाहक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जाएगी, इसके अलावा बाकी की जो प्रशासनिक व्यवस्था है एक तरीके से काफी हद तक राज्यपाल यानी राजभवन के कंट्रोल में रहेगी। तो राजभवन के कंट्रोल में रहेंगी व्यवस्थाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।